प्यारे दोस्तों, अभी आपने जो छोटी सी झलक देखी जिसमें आप संजीव कुमार और जया भादुड़ी को देखें, इन दोनों की भी केमिस्ट्री आपस में काफी जमती थी। इन्हीं जो दोनों की एक फिल्म थी जिससे जुड़ा किस्सा सुनाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिल्मी गढ़ पर, जहां पर आपको फिल्म और मनोरंजन जगत की जानकारियां दी जाती हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबरें आपको सुनाते रहते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम एक फिल्म की बात करने जा रहे हैं जिस फिल्म का नाम था कोशिश। फिल्म कोशिश सिनेमा का वह खूबसूरत नगमा है जिसे गुलजार ने सुनहरे पर्दे पर 5 दशक पहले उकेरा था। लीड किरदारों के बीच एक भी डायलॉग नहीं है इसमें, फिर भी गुलजार बेस्ट स्क्रीन प्ले का नेशनल अवार्ड जीत ले गए इस फिल्म के जरिए। फिल्म की कहानी और संजीव कुमार जया बच्चन के लाजवाब अभिनय की बदौलत यह दर्शकों के दिलों को में उतर गई। आज भी लोग फिल्म कोशिश को बड़े चाव से देखते हैं। दोस्तों, कुछ फिल्मों की कहानी जिंदगी का टुकड़ा लगती है, जिन्हें जितनी बार देखो उतनी बार उनमें जिंदगी के नए रंग नजर आते हैं। साल 1972 में आई गुलजार की फिल्म कोशिश उसी स्तर की मूवी है जिसमें जया भादुड़ी और संजीव कुमार ने लीड रोल निभाया था। फिल्म के लेखक और डायरेक्टर गुलजार थे। अगर आप ठहराव के साथ कोई क्लासिक फिल्म देखना चाहते हैं तो कोशिश आपके मिजाज को भाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। फिल्म की कहानी हरिचरण और आरती नाम के दो गरीब जोड़े की इर्द गिर्द बुनी गई है, जो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। कमाल यह है कि दोनों किरदारों के बीच एक भी संवाद नहीं है, यानी एक भी डायलॉग नहीं है। मन के तमाम वेग आवेग उन्हीं की भाव भंगिमाओं से बयां हो रहे थे। दरअसल गुलजार ने दो ऐसे किरदार रचे थे जो गूंगे और बहरे थे, लेकिन जिंदगी से भरपूर एक दूसरे के लिए प्यार उन्हें जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करने का साहस देती थी। दोस्तों, संजीव कुमार का किरदार हरिचरण छोटा मोटा काम करके गुजर बसर करता, और कानू जो कि असरानी का किरदार था, नाम के लालची आदमी की वजह से अपनी पहली संतान को खो देता है। आरती और हरिचरण की जिंदगी में दूसरी संतान खुशियां लेकर आती है। एक पुलिस अधिकारी हरिचरण की ईमानदारी से खुश होकर उसे नौकरी का मौका देता है। आरती गुजर जाती है और हरिचरण का बेटा बड़ा हो जाता है। दोस्तों, हरिचरण जिस कंपनी में नौकरी कर रहा होता है उसका मालिक हरिचरण के बेटे के साथ अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता है और उसे इसका प्रस्ताव देता है, लेकिन समस्या यह है कि मालिक की बेटी गूंगी और बहरी है। हरिचरण का बेटा रिश्ता ठुकरा देता है, लेकिन जब हरिचरण बेटे को याद दिलाता है कि उसकी माँ भी गूंगी है और बहरी भी है, तो वह इमोशनल हो जाता है और शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाता है। फिल्म कोशिश लोगों को बहुत पसंद आई थी, जिसमें संजीव कुमार जया भादुड़ी के अलावा ओम पुरी, असरानी, दीना पाठक जैसे कलाकारों का उम्दा अभिनय था। इस तरह की फिल्में बनाने से लोग बचते हैं, लेकिन गुलजार हैं अपनी पारखी नजरों से कहानी को बड़ी खूबसूरती से उकेरा है। दोस्तों, फिल्म में संजीव कुमार का अभिनय सबसे प्रभावशाली है, जिसके लिए वे बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुए थे। उस समय गुलजार का लिखा स्क्रीन पे इतना कमाल का था कि गूंगे बहरे किरदार बिना एक शब्द बोले सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव साबित हुए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की कहानी, जिसमें हम कोशिश फिल्म की थोड़ी सी कहानी भी सुना दिए हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।